स्वामित्व योजना की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी के विजयन पांडन की अध्यक्षता में एनेक्सी भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, एडीएम एफआर राजेश सिंह, एडीएम सिटी आरके श्रीवास्तव, तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव दीक्षित सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जिसके संबंध में जिलाधिकारी के विजयन पांडन ने बताया कि स्वामित्व योजना भारत सरकार की योजना है, जिसको अक्टूबर में प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किए जाने की संभावना है। उन्होंने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन कैमरे द्वारा सर्वे कर खसरा खतौनी को नक्शा से जोड़ दिया जाएगा, जिससे जमीनी विवाद को खत्म हो सके। इस योजना की एक नई रूपरेखा तैयार होगी, जिससे नाला एवं सड़क बनाने में आसानी होगी और ग्राम पंचायत इसे रेवेन्यू के रूप में भी प्रयोग कर सकती है। डीएम ने बताया कि यह योजना 2 अक्टूबर से प्रारंभ की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में 3000 से ऊपर गांव हैं। सबसे पहले इस योजना की शुरुआत मॉडल गांव से होगा, फिर धीरे धीरे शेष गांवों में एक एक करके यह इस योजना की शुरुआत की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने कहा, डब्ल्यूबीसी के अलावा शरीर के बहुत से केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट होते हैं, जो इतनी अधिक मात्रा में ब्लड में बन जाते हैं, जो स्टार्म साइकोसिस कहलाती है, साइटोकाइनेसिस। इस योजना का उद्देश्य बताना हूँ, ताकि आप लोग और इसमें प्राथमिकता के आधार पर लग जाए। भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना बनाई है, गेहूँ में जिन चीजों का योगदान समाधान नियम रेगुलेशन नियमावली नियमावली नहीं है, ऐसी समस्याओं को समाधान करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री ने भारत सरकार ने लागू की है। इस योजना को हमारे उत्तर प्रदेश में और सभी भारत के सभी प्रदेशों में इसको स्वीकार कर लिया है और बहुत से गाँव में आबादी क्षेत्र को नोटिफाई कर दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य योजना का ये है कि जो सिविल प्रकृति के बाद हैं, आबादी के अंदर सहन दीवार क्षेत्रफल बंटवारा, इस तरह की जो बेसिक समस्याएं हमारे लॉ ऑर्डर क्रिएट कर रही हैं, इसमें हमारे सभी रेवेन्यू और पुलिस अधिकारियों की अधिकतम एनर्जी 99% एनर्जी इन कार्यों में वेस्ट हो जाती है और हम लोग समझौते के माध्यम से असहाय से प्रतीत कर होते हैं। इसको इन समस्याओं को समाधान करने के लिए ये प्रशासनिक विभाग विकास कार्यों में और अन्य कार्यों में हमारे रेवेन्यू के पुलिस के अधिकारी सब विकास कार्यों में अपनी पूरी ऊर्जा लगा सकें और विकसित से विकास विकसित देशों में अपना नाम विकास से जोड़ सकें। इन समस्याओं के समाधान से बचने के लिए उन्हें कम करने के लिए ये योजना है और सारी ऊर्जा कंस्ट्रक्टिव वर्क में और विकास कार्यों में लग सके। जो कभी भी ये जान गई है सीधे प्रशासनिक अधिकारी पुलिस अधिकारी के बाद इसके के लिए दौड़ती है, बंटवारे के लिए दौड़ती है, घरों में अपने हिस्से के अधिकार के लिए दौड़ती है। और आयुक्त सचिव महोदय ने 6 अगस्त को बीसी दी थी सभी एसडीएम साहबान और हमारे रेवेन्यू के कानूनगो साहबान आर के साहबान उम्र उपस्थित थे और उसमें जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में रहना चाहता हूँ कि मेरे 10 गांव पायलट प्रोजेक्ट में अभी है। 300 से ऊपर गांव की आबादी का मैप बन के उनको नक्शा बनाना है और फिर प्रयास करिए उसी दिन काम हो जाए, ताकि लोगों का असाइनमेंट हो जा रहा तो अलग अलग चले जाए और मौसम ऐसे मौसम में हम लोग भी मुश्किल से कभी खुला मौसम मिलता है तो पैमाइश करने लायक निशान डाले जाए उसी यूज करते हुए कहते हैं। गाँव वाले को पहले यार वो कॉन्फिडेंस में लाइए, ताकि ये झगड़ा करने के लिए तो ही योजना बनी हुई है, ये करने के बाद इनका तो बस उनको कल्पना कराने दीजिए। अब ये योजना यदि गांव में पूरा प्लान करने में यदि सड़क नाली और आगे भी हो नहीं पा रहा था प्रधान क्या करता है अपने पार्टी विशेष लोगों का अपने मजरा में उसी हिसाब से खर्च कर। दूसरा मीटिंग हम लोग का स्वामित्व एक योजना चलती थी, अभी चल रहा है, वैसे अक्टूबर में लॉन्च होगा। खासतौर पर ग्रामीण इलाके में ड्रोन के जरिए से सर्वे करा करके उसको तो फिर हमारा खसरा खतौनी जो और नक्शा है उसी के साथ अटैच हो जाएगा। उस पर क्या है जो ये विवाद है स्वामित्व का जो कितने झगड़ा वो हाल हो जाएगा,
और भविष्य में एक योजना बनाने में भी एक अच्छा रूपरेखा बन जाता है, वो कहाँ रोड बनाना है, नाला बनाना, सारे तय हो जाएगा। फिर भविष्य में यदि ग्राम पंचायत चाहते हैं उसको रेवेन्यू का रूप से भी वो कलेक्ट कर सकते हैं। भारत सरकार की योजना है, उम्मीद है 2 अक्टूबर तक ये प्रारंभ होकर के 10 मॉडल गाँव में शुरू होगा, फिर उसके बाद हमारे पास 3,000 के ऊपर के गाँव हैं, एक एक करके फिर आगे लेंगे।